बिजली उपभोक्ताओं को राहत की खबर है। सितंबर में दाम बढ़े थे बिजली के और उसके बाद ये बढ़े हुए दाम रोक दिए गए, यानी कि ये नहीं देने होंगे। यूपी में बिजली की बढ़ी हुई कीमतों पर रोक लगी है। विद्युत नियामक आयोग ने बड़ी कीमतें रोकी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे हैं। सभी श्रेणी में 66 पैसे रेट बढ़ाए गए थे, ये सितंबर की बात थी। विद्युत नियामक आयोग की अनुमति के बिना ये दाम बढ़ा दिए गए थे। नियामक आयोग की अनुमति के बिना यूपीपीसीएल नहीं बढ़ा सकता है रेट। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में बिजली की बढ़ी कीमतों पर रोक लगी है। विद्युत नियामक आयोग ने बड़ी कीमतें रोकी हैं, इस पर रोक लगाई है। सभी श्रेणी में 66 पैसे रेट बढ़ाया गया था। विद्युत नियामक आयोग की अनुमति के बिना ये रेट बढ़े थे। गगन मिश्रा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। गगन, क्या कुछ अपडेट है? जो रेट सितंबर में बढ़े वो नियमों के विरुद्ध बढ़े, इसलिए अब जनता को राहत? देखिए, जब भी यूपीपीसीएल को बिजली के दरों में बढ़ोतरी करनी होती है तो सबसे पहले वो विद्युत नियामक बोर्ड की परमिशन लेनी होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। विद्युत नियामक बोर्ड के बिना परमिशन के यूपीपीसीएल ने 66 पैसे तक यूनिट को प्रति यूनिट बढ़ा दिए, जिसके बाद अवधेश सिंह अवधेश वर्मा है जो विद्युत नियामक बोर्ड के एक संगठन है, उसके अध्यक्ष है, उन्होंने एक शिकायत की विद्युत नियामक बोर्ड को कि आपकी अनुमति के बिना यूपीपीसीएल ने प्रति यूनिट 66 पैसे की बढ़ोतरी की है, जिसमें विद्युत नियामक बोर्ड ने यूपीपीसीएल को पत्र लिखकर बढ़े हुए रेट को रोक लगा दी और साफ तौर पर कहा कि जब पूरी तरह से सालाना कैलकुलेशन नहीं हो जाता है तब तक यूनिट को बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। जब कैलकुलेशन हो जाता है उसके बाद विद्युत नियामक बोर्ड की परमिशन लें। बहुत बहुत शुक्रिया गगन इस जानकारी के लिए।